पांडव जो है वहाँ से निकलकर इनके सुरंग के रास्ते से निकल गए थे। क्रोचन जो है वहीं पर भेंट हो गया था। वारणावत के लोगों ने जो है तुरंत ही जो है हस्तिनापुर में खबर पहुँचा दी थी कि जो है नाग के घर में जो है आग लग गई है और भवन जो है उसमें कोई भी जिंदा नहीं रहा। धृतराष्ट्र और उसके बेटों ने जो है पांडवों की मृत्यु पर बड़ा ही शोक किया और गंगा किनारे गए और पांडव जो है वहाँ कुंती को जो है श्रद्धांजलि उन्होंने दी किसने और उन्होंने और तो फिर जो है सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते हुए विलाप करते हुए परंतु दार्शनिक यानी के दुख की सोचने वाला वेदों ने जो है शोक को मन ही मन में दबा रखा था और जो है वेदों को जो है यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव सुरक्षित निकल गए होंगे। तो पिता ने तो मानव शोक के सागर में ही डूब गए थे। उनको बड़ी ही बेचैनी हो गई थी और तो उन्होंने वेदों ने जो है उनको धीरज बनाया यानी कि उनको सांत्वना दी और जो है उनको अपना रूढ़ भाषा में यानी कि सांकेतिक भाषा में अपना सारा रहस्य उन्होंने समझा दिया था यानी कि उनको चिंता मुक्त कर दिया था। किसको? भीष्म पितामह को विदुर ने चिंता मुक्त कर दिया था। तो लाभ के घर को जो है जब तब वहाँ छोड़कर पांचों पांडव भाई माता कुंती के साथ जो है बच निकले थे और जंगल में पहुंच गए और जंगल में जो है पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि चारों भाई और माताएं जो है रात भर जगी हुई है और जो है रात भर जगे होने से और चिंता से और भय से जो है पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत ही थके हुए थे। माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दयनीय हो गई थी। तो बेचारी थककर चूर चूर हो गई थी। सो बलशाली भीम ने जो है माता को अपने कंधे पर बैठा लिया था और नकुल और सहदेव को जो है अपने यानी कि कमर पर बैठा लिया था। माता कुंती को कंधे पर बैठा लिया और नकुल और सहदेव को जो है कमर पर और अर्जुन और युधिष्ठिर को जो है दोनों को हाथों में ले लिया था। किसने? बलशाली भीम ने तो हाथों में पकड़ लिया था और वह जो है उस जंगली रास्ते से अनुमत हाथी के समान जो है झाड़ झकाड़ यानी कि जो भीम था बलशाली भीम था झाड़ झकाड़ और जो है पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता हुआ उड़ता हुआ तेजी से आगे चलता गया। कौन? भीम। उनको रास्ते को ढूंढता हुआ आगे निकलता चला गया। जब भी ये सब जो है गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां वेदों की भेजी हुई एक नाव भी मिली। इसकी भेजी हुई नाव मिली वहां पर वेदों की भेजी हुई एक नाव मिली और युधिष्ठिर ने जो है माला से यानी कि सांकेतिक प्रश्न करके पूछा तो उन्होंने अपने मित्र होने का सबूत दिया। इस तरीके से जिस प्रकार एक कारीगर ने दिया था जो सुरंग खोदने के लिए आया था तो जो है जांच लिया कि वह मित्र है और वे लोग जो है अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। तो सूरज जो है बेटा डूबता गया और रात होती चली गई और चारों तरफ जो है अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव जो है एक तो थकावट से के मारे जो है चूर हो रहे थे और ऊपर से जो है उनको नींद प्यास जो है भूख सताने लगी थी। किसको? पांचों पांडव को और माता कुंती को। उनको सताने लगी थी, चक्कर सहने लगा था, एक पग भी आगे बढ़ने का उनको जो है असंभव हो गया था। भीम के सिवाय और सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए और कुंती से तो बैठा ही नहीं गया। वह दीन भाव से बोली, मैं तो जो है प्यास से मरी हुई हूँ, अब मुझसे बिल्कुल भी आगे नहीं चला जाता। धृतराष्ट्र के जो है बेटे मुझे यहाँ से ही चाहे उठाकर ले जाए, मैं और आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। और जो है वह इतना कहते
बिल जो है उठा ले गए और कहकर उनकी जो है जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। माता और भाइयों का यह हाल देखकर शोक के मारे भीमसेन का जो है हृदय दर्द हो उठा था और उस समय जो है भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर ढूंढ कर जो है उसने जलाशय की खोज की। किसने भीम ने उसने पानी लाकर माता व भाइयों को जो है प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें जो है सारी सुध बुध खो दी थी, यानी कि थक कर वे सो गए। सारी रात से चले गए थे, भूखे थे, प्यासे थे, जरा सा पानी का सहारा मिला उनको पीते पानी पीकर सो गए थे। तो जो है अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा और पांचों भाई माता कुंती को लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए और जो है वे आगे मुश्किलों से झेलते हुए जंगली रास्ते से जो है वे आगे बढ़ते चले गए। यानी कि अगले दिन जो है वे बहुत ही आगे बढ़ते चले गए, वनों को पार करना था ना, बढ़ते चले गए। तो काफ़ी जो है वे कभी माता को उठा कर तेज चलते तो कभी थके मांदे बैठ जाते, एक दूसरे में होड़ लगा कर आगे बढ़ते कि कौन आगे चलता है। इस तरीके से होड़ लगा कर आगे चलते तो वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी का जो है वेश धारण, यानी कि एक ब्राह्मण का वेश उन्होंने धारण कर लिया और फिर जो है वे एक चक्र नगरी में जाकर ब्राह्मण के वेश में यानी कि ब्राह्मण के घर में ही रहने लगे। कहाँ पर जाकर रहने लगे बेटा वे? एक चक्रा नगरी में जो है ब्राह्मण के घर जो है जाकर वे रहने लगे। तो इस तरीके से जो है एक चक्रा नगरी में जो है वे ब्राह्मण के घर में जाकर रहने लगे। तो उन्होंने माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगे और दिन में जो है वे भिक्षा मांगने जाते थे। जब तक जो है वे भिक्षा मांग कर लेकर आते थे तो कुंती चिंतित रहती थी, उनको जो है बड़ी आशंका रहती थी कि जो है कुछ कुछ जो है अनहोनी न हो जाए। और जरा सी देर होते ही जरा सा समय देर होते ही कुंती जो है चिंतित हो जाती थी कि कुछ घटना न घट जाए, उनकी आशंका बढ़ जाती थी और वे मन ही मन में तरह तरह की आशंकाएं उनके मन में घर कर लेती थी। जरा सा कोई लेट हो जाता है मन में कुछ कुछ विचार आने लग गए। इस तरीके से पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते कुंती जो है उस भिक्षा के दो हिस्सों में बांट देती, जितना भी इकट्ठा करके वे भिक्षा प्राप्त करके लेकर आते थे तो उस भिक्षा को जो है दो हिस्सों में बांट देती थी। एक हिस्सा जो है वो भीमसेन को दे देती थी और एक हिस्से में जो है चारों पुत्र और अपने आप यानी कि पांच हिस्सों में वो बांट देती थी। लेकिन वो एक आधे हिस्से में भी उनका गुजारा नहीं चलता था और जो है वो वृक्ष जो है व्यर्थ रहता था, उसका उसमें गुजारा नहीं होता था। तो एक दिन जो है भीम ने एक कुम्हार से अपनी दोस्ती कर ली और कुम्हार से दोस्ती करने के बाद जो है उसने उसकी थोड़ी सी मिट्टी जो है खुदाने से लेके आया और उसकी भूंगी जो होती है उसमें लेके आया और उसने जो है उस मिट्टी से कुम्हार की हाँ एक बड़ी सारी हांडी का निर्माण किया, यानी कि उसकी हांडी बनाने में उसकी मदद की और उस हांडी को लेकर जो है भीम फिर भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ता था। एक विलक्षण सी हांडी थी यानी कि खूब बड़ी सारी होगी, लक्षण तो खूब बड़ी सारी होगी। तो उस हांडी को देखकर तो बच्चे लोग बोर हो जाते थे और कुछ लोग भी एक हंसी की जो है उसको देखते थे, हंसी की उससे देखते थे। तो भीमसेन का यह हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर जो है बड़े ही चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन में उसका पेट नहीं भरता था और जो है इस तरीके से उसने मिट्टी खोदने से मदद करके उसका जो है खुश कर दिया था किसको, कुम्हार को। उस जो है उसमें जो है एक भिक्षा के लिए निकलने लगा, फिर उस हंडी को जो तैयार की थी उसको लेकर जो है फिर वो भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसकी जो है विलक्षण हंडी देखकर बच्चे तो
लेने के लिए चले गए और जो है धीमी अकेला कुंती के पास होकर रहा था। एक दिन चारों चले गए तो ब्राह्मण के अंदर से जो है बिलख बिलख कर रोने की आवाज उनको सुनाई दे रही थी। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू सिसकियां लेते हुए वे एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। ब्राह्मण बड़े ही दुखी हृदय से जो है अपनी पत्नी से कह रहा था कि मैं आपको जो है कितनी बार मैंने आपको कहा था कि ये जो है एक चक्रा नगरी छोड़कर यहाँ से चले, पर तुम नहीं मानी। क्यों कह रहे थे? इसलिए क्योंकि वहाँ एक राक्षस था, वो प्रत्येक दिन एक न एक घर की बलि लेता था। तो उस दिन जो है उस ब्राह्मण के घर में से एक बलि जा रही थी। बलि यानी कि मनुष्य को खा जाता था एक तरीके से, इससे मनुष्य की बलि लेता था। तो जो है वो ब्राह्मण ऐसे अपनी पत्नी को कह रहा था कि मैंने कहा था तुम्हें कि एक चक्रा नगरी छोड़कर कहीं ना कहीं चले, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं मानी कि ये मेरे जो है पिता का घर है, मैं इसको छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। यही हट रह करती रही कि यह जो है मेरे बाप दादा का गांव है, मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। अपनी बेटी को भी बलि कैसे चढ़ा दूँ और पुत्र को कैसे पाल और ले दूँ यदि मैं शरीर त्यागता हूँ। वो कहता है, ये ब्राह्मण कहता है, अगर मैं अपना शरीर त्यागता हूँ, मैं उस रावण को जो है राक्षस को जो है भेंट करता हूँ, तो बच्चों का जो है पालन पोषण कौन करेगा? तो अगर मैं अपना शरीर त्यागन का भ्रमण पोषण कौन करेगा? हाय, मैं अब क्या करूँ? किसने कहा? ही ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि हाय, अब मैं क्या करूँ? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय है कि सभी एक साथ मौत के घाट चले जाएं, उनके मौत के गले लग जाएं, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण जो है सिसक सिसक कर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहे कोई दूसरी पत्नी ले आए जा सकते हैं। अब मुझे जो है प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दें ताकि मैं जो हूँ राक्षस का भोजन बन सकूँ। किसने कहा? ये बेटा ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि जो है आप मुझे आज्ञा दीजिए कि जो है मैं उस राक्षस का भोजन बन सकूं। तो पत्नी की ये व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से जो है नेरा गया और वह बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा कि जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद मैं जीवित रहूं। ये किसने कहा? उसके ब्राह्मण ने कहा कि इतना पागल कौन होगा, इतना दुरात्मा कौन होगा कि अपनी पत्नी को जो है राक्षस की भेंट चढ़ा दे और अपने आप जो है जीवित रहे। माता पिता को इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से रहा ना गया और जो है उसने करुण स्वर में कहा, करुण यानी कि रोते हुए दया भाव में कहा, पिताजी, अच्छा तो ये है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें, राक्षस के पास जाए, आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का टूटना सा बालक पास में ही खड़ा हुआ था और वो सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घूमता हुआ बोला कि उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूंगा। छोटा बच्चा था, उसको क्या पता। तो कुंती खड़ी खड़ी जो है ये सब बातें देख रही थी और जो है अपनी बात कहने का उसके जो है ठीक मौका मिल गया था। किसको? कुंती को जो है अपनी बात कहने का ये सही मौका मिल गया था कि हे ब्राह्मण, आप कृपा करके मुझे बता सकते हो आपको जो है ये क्या परेशानी है। तो इस तरीके से जो है कुंती ने ब्राह्मण से बात पूछनी चाहिए कि आप लोगों की इस समय दुखद क्या कारण है, यानी कि आपको क्या दुखद कारण है जिसके कारण आप इतना गिलानी लगकर रो रहे हैं। तो ये कौन पूछ रही थी? उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी से जो है कुंती पूछ रही थी।
पढ़ाया है। ठीक है, तो इसके बाद जो है सभी बच्चे बुक में रीडिंग करेंगे। जिन बच्चों ने जो है आज तक ये रीडिंग नहीं की है वो अच्छी तरह कर लेंगे। जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपको इस लेसन की जानकारी, किसी भी लेसन की जानकारी नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको लेसन समझाया है, ये हाफ लेसन हुआ है अभी, बाकी इसकी रीडिंग जो है बेटा हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों से जो है मेरी आशा है कि वो अच्छी तरह रीडिंग। तो आज का लेसन आज क्या पढ़ाया बेटा हमने, 18 जुलाई 2020 को सेवन्थ क्लास में सब्जेक्ट क्या है हिंदी, और लेसन क्या था आपका 10 लेसन पांडु की रक्षा। तो पांडु की रक्षा कैसे, इसके बारे में मैंने बताया कि नाक के घटा जो षड्यंत्र से वर्णागत में दुर्योधन ने मकान बनाया था राक्ष को लाख का घर यानी कि उनको मारने के लिए, तो उससे महल से निकलकर जो कूटनीति में विदुर ने उनको समझा दिया था किस तरीके से इसने महल का निर्माण किया गया है और इसका जो है ये क्या होने वाला है एक षड्यंत्र है यानी कि, तो विदुर जो है उनके कदम कदम पर पांडव को भी सहायता करता था, वो भी सांकेतिक रूप में, और जो है वो बिल्कुल भी एहसास होने नहीं देता था कि उन्होंने जो है उसकी रक्षा की।